एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। हमें बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट आप देख सकते हो क्या, 2 tan 30, 2 tan 30 का वैल्यू क्या होगा हमें पता है, 1/√3, 1 + tan²30। टेन थर्टी क्या होगा, √3 होल स्क्वायर। तो 2/√3 1 + 1/3, 2/√3 इंटू 3 ऊपर गया, एलसीएम लो तो क्या होगा, 4। √3/2, तो sin 60 √3/2 होता है, cos 60 1/2, tan 60 √3, sin 30 1/2। करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ए, यानी कि किसके बराबर है, sin 30 ऑप्शन। ओके, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, 1 - tan 45° क्या होता है, 1 का होल स्क्वायर, +1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 - 1 0/2, दैट इज 0, tan 90 अनडिफाइंड, 1 45 0, करेक्ट ऑप्शन इज ए। 8.2 क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट क्या है, sin 2a = 2 sin a is 2, व्हेन ए इज, चार वैल्यू दिए हुए, हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, sin 2a = 2 sin a, अगर 0 यहां है तो क्या हो जाएगा, sin 0° = 0, और 2 sin 0 = 2 into 0, दैट इज 0, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये देख लो करके, 60° 2 into sin 30 नहीं होगा, 45 91 नहीं होने वाला है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। 2 tan 30 हमारा क्या होता है, 1/√3, 1 - tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 1 - 1/3, 2/√3 3, 3 - 1, that is 2/√3 into 3/2, √3 किसका वैल्यू होता है, cos 60 का होता नहीं है, sin 60 का, cos 60 क्या हो जाएगा, 1/2, ये क्या हो जाएगा, √3/2, ये क्या हो जाएगा, √3, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट।